Hi, I'm Aditi Sharma and you're watching Katha Ankahee. Subscribe to Sony Live channel and hit the bell icon for more updates from Katha Ankahee. अरे ये फूलों पर से ओस कौन हटाता है यार? बैड टाइमिंग। वो रिंग जो है मैं कल ज्वेलर से बनवा के ले आऊं। तुम खुश तो हो ना? तो मेरा थेरेपी सेशन शुरू। नहीं बट कभी कभी डर तो लगता है ना। डर है मुझसे? हाँ क्यों? तुम मुझसे लड़ती नहीं हो। ये क्या बात हुई? एक थेरेपिस्ट की एडवाइस ले लो, लड़ना झगड़ना इज वेरी हेल्दी फॉर अ रिलेशनशिप। होता है ना पैशन वाली लड़ाई। आरफ के मामले में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और आपको लगता है मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा? बाप हूं मैं उसका और मैं उसकी माँ हूँ वियान, जब से वो पैदा हुआ है तब से। लड़ना झगड़ना चीखना चिल्लाना एंड देन प्यार से एक दूसरे को मनाना। इट्स आल्सो क्यूट। ये सब नहीं है ना हमारे बीच। यू नो दैट वो क्या होता है लवर्स क्वारल। मुझे लगता है कि लड़ाकू लवर्स ने कुछ ज्यादा ही रोमांटिसाइज कर दिया लड़ाइयों को। और हमारी ट्यूनिंग अच्छी है तो झगड़े से लेकर मनाने तक के स्टेप्स हम स्किप कर सकते हैं। और हम सॉर्टेड हैं, हम खुश हैं। सॉर्टेड हैं, हैप्पी हैं। सगाई तो तुमने कर ली पर प्यार अब तक नहीं हुआ। कोई बात नहीं, प्यार मैं कर लूंगा। कथा यू ओके? क्लाइंट कॉल था, वो एक इवेंट है तो उस पर कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वर्क स्ट्रेस। I think I'll go out for some time. अंदर भी आराम कर सकती हो? I think I need some fresh air. मैं साथ चलूँ? नहीं, सब डांस कर रहे हैं, इतना मजा कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता ही बीट विद देम। मैं बस बाहर ही हूँ। Okay. जाओ यहाँ से और वापस लौट के मत आना। जो भी था ना हमारे बीच में, आज इस मोमेंट में सब खत्म। कथा वो तो कब की चली गई? दीदी छाता ले लो ना प्लीज। दीदी देखो बारिश होने वाली है, ले लो ना प्लीज। सॉरी मैं पैसे तो लाई नहीं, मैं आपसे कल ले लूंगी बेटा। ठीक है। Thank you.
भैया छाता ले लो ना. ओके दो. ये लो. ये लो. इसमें तो सारी आ जाएगी. रख लो. थैंक यू भैया. यू वेलकम. बादलों ने जरूर एक आसमान के नीचे हम दोनों को जुदा देखा हो. देखो वो भी रो पड़े. पर मैं मुस्कुरा गया कथा. किस्मत किस्मत ये बूंदें कहीं ना कहीं तुम्हें भी छू रही होगी कथा. आज अपना हाथ आगे बढ़ाकर इन बूंदों को छू लो. और बता दो आसमान को हम जुदा सही लेकिन जुड़े हुए हैं हमेशा के लिए. और वो आसमान है कायनात का दोस्त. शायद हमें मिलाने की साजिश ही रच ले. यहाँ नहीं रुक सकती. मैं यहाँ नहीं रुक सकती. डॉक्टर मेरी तबीयत ठीक नहीं है. मैं घर जा रही हूँ. क्यों क्या हो गया? तुम रुको हम भी साथ में आ रहे हैं. नहीं 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 डॉक्टर मैंने कैब बुला ली है. मैं आराम से घर चली जाऊँगी. आप चीफ गेस्ट हैं. अच्छा नहीं लगता ऐसे इवेंट बीच में छोड़ के जाते हैं. तो मैं आपसे और रूही से घर पर मिलती हूँ. और हाँ आप रूही से कहिएगा आई एम रियली सॉरी. ओके ठीक है. तो तुम अपना ख्याल रखो और हम भी जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलते हैं. ओके ठीक है. ओके बाय. लेडीज एंड जेंटलमैन आज हमारे बीच एक जादूगर है जो आपके मन की हर बात पढ़ लेते हैं. यकीन नहीं हो रहा? प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एंड वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर वियान रघुवंशी. हेलो हेलो वियान. आज वियान जी हमें अपनी कुछ कविताएं कुछ नज़में सुनाएंगे और यकीन मानिए इनके हर शब्द आपके दिल को छू जाएंगे. इनकी कई हर बात आपको जानी पहचानी लगेगी. प्लीज वेलकम सर. श्योर. अब समझ आ रहा है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई है. लेकिन अब क्या फायदा? इट्स टू लेट. काश पास में जाके सब कुछ बदल देने का ऑप्शन होता. ये प्रेजेंट तो कितना अजीब है. सो सॉरी बेटा. नहीं इट्स ओके मॉम. इट्स ओके मॉम. कथा बदल गई. वियान बदल गया. हालात तो जैसे हमारा मजाक उड़ा रहे.
पता है मॉम, मैं ना मैं युवराज से मिला था। तुझे आंटी, आपको पता है वो ना कहीं अपने किए पे पछता रहा था। उसके उसके पापा चले गए, कविता आंटी लंदन चली गई अपने भाई के पास, वो एकदम एकदम बिखर गया है वो। और अब उसे लगता है कि ये सब करने का क्या फायदा, क्यों किया ये सब। और मुझे लगता है कि सब बात करने का ही क्या फायदा यार। क्यों नहीं है, आप लोग ऐसे सब क्यों सोच रहे हैं? मिरेकल्स होते हैं। आप लोग प्लीज ऐसे मत बात करिए कि कथा भाभी और वियान भाई की स्टोरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। प्लीज आप लोग मुझे और तेजी माँ को ही देख लीजिए। मेरी मॉम के जाने के बाद इन्होंने मुझे संभाला, कितना प्यार दिया है, ये भी तो एक मिरेकल ही है ना। प्यार में बहुत ताकत होती है, लव इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। बस फेथ होना चाहिए। मैं तो रोज प्रे करती हूँ कि पुराने वाले कथा और वियान एक दूसरे को वापस से ढूंढ ले और हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। मैं भी। थैंक यू सो मच। आप डॉक्टर्स के बीच एक पोएट, बल आपसे तो पेशावर दुश्मनी हमारी। आप चरासान, यू डॉक्टर्स, यू हीलर्स, आप लोग दर्द समझ नहीं पाते। और दर्द ना हो तो हम जैसे शायर ना हो। अब मकरूरियत की बात निकली है तो मैं अपने यार की बात करता हूं, जिसे आज भी मैं बड़े गुरूर के साथ याद करता हूं। आई थिंक आई शुड स्टैंड फॉर दिस। एक तरफ दुनिया भर की खुशियां तो एक तरफ प्यार का गम, एक तरफ दुनिया भर की खुशियां तो एक तरफ प्यार का गम है। खुशियां चुन लूं आज, लेकिन फिर गम ही तो मेरे जीने का ईंधन है। वाह 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 वाह। इल्म मुझे है तू नफरत करती है मुझसे अब, इल्म मुझे है तू नफरत करती है मुझसे अब, इल्म तुझे है मैं गफलत में जीता हूं बस। इल्म मुझे है एक डोर अब भी बांध रखी है तूने, इल्म तुझे है तू लगी है अपनी नफरत से मुझे और भी छूने। तेरी दूरी ने मुझे तुझसे और पास कर दिया, दायरों का प्यार मैंने अपने सिरे से दरकिनार कर दिया। तेरी नफरत में भी मुझे इतना सुकून मिलता है जालिम, तेरी खामोश तलखियों में मैंने अपना एक मुल्क आबाद कर दिया। वाह वाह, क्या बात है। ए खुदगर्ज, तुझे लगता है तेरे आने से मैं बिखर जाऊंगा, तू आके तोड़ दे मुझे, देख लेना मैं सवर जाऊंगा। तुझे लगता है फर्त जज्बात के सहलाब में मैं बह जाऊंगा, मेरा यकीन कर ए खुदगर्ज। तू किनारे खड़ी देखती रहना, तू तैरना छोड़ मैं बस तर जाऊंगा। मैं खुद गर्ज हूं। आपको लगता है कि दुनिया का सारा दर्द, सारे सैक्रिफाइसेस, सब कुछ बस आपके हिस्से में आए हैं ना? क्या क्या कह रहे थे अभी आप? What was that? फारते जज्बात, सम सहलाब, अब मैं तैरना छोड़कर बस तर जाऊंगा। सही है व्यान, ऐसे भारी भारी शब्द, उर्दू फारसी में ऐसी गहरी बातें, ये साबित करती है कि आपका प्यार मुझसे बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है। मुझे नहीं आती ऐसे ऐसे भारी भारी शब्द, मुझे नहीं बताना आता कि अंदर क्या चल रहा है।
तुम्हें खुद घर से नहीं समझ में आता कि मुझे ये शायरों की दर्द भरी बातें तो मैं क्या करूं व्यान? क्या करूं? मर जाऊं? मर के बताऊं कि इतना दर्द था कि जान ले ले? नहीं समझ में आती मुझे ऐसी बातें। आपको ना मेरा प्यार समझ में नहीं आता, मेरी मोहब्बत समझ में नहीं आती आपको। एक जालिम तो खुदा भी है, जान देता है फिर ले लेता है, लेकिन क्यों ना कहूं मैं खुदगर्ज अपने आशिक को, जो आदतन ये सितम मुझ पर हर सांस के साथ करता है। फिर वही कर रहे हैं आप यहाँ। आप ना आप कायर हैं, जो एक शायर बनकर आप अपना सारा दर्द सब कुछ मुझ पे थोप रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों ऐसे दर्द को पकड़ के बैठे हैं जैसे दुनिया की आखिरी इंस्पिरेशन हो आप? What you think I'm holding on? जब कोई दिल टूटता है ना, तो जो दर्द उसे मिलता है ना, तो वो एक आशिक के लिए, मेरे लिए ना, 100 जान से ज्यादा है। Because you left, तुम मुझे छोड़ के गई और ये दर्द छोड़ के गई, तो ये बन गया मेरा महबूब, ये दर्द अब मेरा है और इसके और मेरे बीच में तुम्हें आने नहीं दूंगा। Why are you fighting? What are you fighting for? किससे लड़ रही हो? मुझसे? खुद से क्यों? हाँ, सबके सामने आके मुझसे कह रही हो कि आगे बढ़ जा, नहीं बढ़ सकता मैं, I can't। हम मैं भी खड़ी हूँ यही आपके साथ, और दुनिया आगे बढ़ गई और दुनिया के लोग मुझे देखते हैं, हंसते खेलते, औरों के साथ नए रिश्ते बनाती हुई नई कथा, पर मैं तो यही हूं, पर उनको नहीं पता कि मैं कभी आगे बढ़ी ही नहीं थी, भी आगे बढ़ी ही नहीं थी। ये सब क्या है कथा? क्या तुम व्यान से प्यार करती हो? कथा जवाब दो, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। कथा जवाब दो, कथा जवाब दो। मैम आप ठीक है? तो इसी बात पे मुझे आनंद बख्शी साहब का एक गाना याद आ रहा है, तेरे प्यार का गम वादा है कभी होगा ना कम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। लेकिन इस प्यार के गम को मैं अपने जीने का ईंधन बना के लिखता रहूंगा, अपने आप बीती कहता रहूंगा, आप लोगों से मिलता रहूंगा, और उसकी नफरत में अपने होने का सुकून खोज कर जीता रहूंगा। थैंक यू। ये फोटो देखो, कथा कितनी प्यारी लग रही है ना उसमें, गौर से देखो। हाँ। कितनी सीरियस लग रही है कथा, मानो कि राघव को काउंसलिंग दे रही है कि काउंसलिंग कैसे देते। अरे नहीं नहीं, वो सीरियसली बोल रही थी, अगर विकी अंकल ने ना एक और पीजे जोक मारा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। कथा मेरे पीजेस की बहुत बड़ी फैन है। अरे जो अपने जोक्स पे खुद ही इतना ज्यादा हंसे, उसे ये सब कहने का कोई हक नहीं है, समझे आप? परी कथा ना ही सही, आरव तो बहुत ही हंसता है मेरे जोक्स पे। आरव है बड़ा प्यारा बच्चा। वैसे बच्चा तो बहुत प्यारा है, पर यू नो व्हाट, जब से कथा और आरव इस घर में आए हैं ना, मानो कि इस घर में रौनक सी आ गई। बिल्कुल, मैं बस यही चाहती हूँ कि वो यहाँ पे दोनों सेटल हो जाएं, खुश रहें, इससे परी खुशी क्या होगी? यू नो व्हाट परी,
इतने कम समय में कितना कुछ देख लिया ना आरव ने। तुम ही बताओ, इतना हंसता खेलता मस्त रहने वाले बच्चे को एंगर इश्यूज हो गए? कितना दुख दर्द और गुस्सा सहा होगा इस बच्चे ने। बिल्कुल। बैटमैन, मैं था वो जब कथा अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करी थी, मैंने उसका फायदा उठाया, उसे लाचार कर दिया। आई हर्ट कथा, मैंने उसे टॉर्चर किया, इट वाज मी। चले जाओ मेरी मेमोरी से, मुझे नहीं करना कोई यार। मंकी, क्या हुआ मंकी? मैं आ गई हूँ ना, क्या हुआ? मम्मा, रॉबिन ने मुझे धोखा क्यों दिया? उन्होंने आपको हर्ट क्यों किया? हम सब इतने खुश थे, उन्होंने क्यों इतना झूठ झूठ बोला? Okay, relax, relax, relax. आओ, बैठो। सीमा, जो बीत गया है उसे भूल जाओ, वो टाइम चला गया। अब देखो हम कहाँ इस घर में हैं, हम खुश हैं, सब ठीक है। सीमा की आपको अपने रॉबिन को माफ करना होगा, दिल से माफ करना होगा और जाने देना होगा, भूल जाना होगा। अगर हमें अपने प्रेजेंट को अच्छा करना है ना, तो हमें अपने पास्ट को पीछे छोड़ना होगा, नहीं तो हमारे पास जो भी है हम उसे कभी वैल्यू कर ही नहीं पाएंगे। पर मेरा सपना तो टूट गया ना। नहीं टूटा बेटा, लाइफ ऐसे ही होती है मंकी, इट्स नॉट फेयर। सी, कभी कभी हमें ऐसी खुशियाँ मिलती हैं जो हमने कभी सोची ही नहीं होती है। जैसे नीरजा जी आई थी हमारी लाइफ में, योर डोडो, है ना? और कभी कभी ऐसे दुख आ जाते हैं वो भी हमने कभी सपने में भी नहीं सोचे होते। पर चाहे कुछ भी हो ना, उनकी लाइफ कभी रुकती नहीं है, वो बस चलती रहती है। तो हमें अपनी लाइफ को हैप्पी टाइम से भरना है, खुश रहना है, ऐसे सैड सैड नहीं होना है। ओके मम्मा, सब ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, मैं रॉबिन को बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अभी भी मेरे सपनों में आते हैं, अभी भी वो मेरी मेमोरी में, और उनको सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने आप पर। नो मंकी, बट आपको पता है टाइम सब कुछ हील कर देता है, सब ठीक कर देता है। आप ना, आप कोशिश करते रहो उन्हें भूलने की, एंड आई एम श्योर धीरे धीरे टाइम के साथ आप भूल जाओगे, है ना? भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। ओके, थैंक यू। आपकी पोएट्री बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। वैसे आई होप आप पोएट्री से ज्यादा चीजें भी पढ़ती हैं, स्टफ लाइक नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, फिक्शन स्टोरीज। ओके, आई हैव अ क्विज फॉर यू, रेडी? पोएट्री आपको इमोशन से मिलाती है, हाँ। नॉवेल्स आपको किससे मिलाती है? लोगों से। या एंड एक बात कहूँ आपको, आप मेरी सैड सैड पोएट्री मत पढ़ो, कुछ हैप्पी हैप्पी पढ़ो ना। हाँ जी, और मैं आपकी पोएट्री से नहीं, नॉवेल्स और बाकी बुक्स भी पढ़ती हूँ। हेलो मिस्टर, दैट इज सो इंप्रेसिव। ओह हेलो, हाय, यू आर डॉक्टर सिंह? नाइस टू मीट यू डॉक्टर सिंह। आपकी पोएट्री और आपकी शायरी बहुत लाजवाब है। ओह थैंक यू सो मच। हाय रघु। हाय। सॉरी, हमारा टाइम हो गया जाने का। वैसे आप कब निकल रहे यार? वैसे तो मैंने सोचा था कि अगर वियान जी के पास टाइम हो तो रुक के उनके साथ थोड़ी गुफ्तगू की जाए। ऑफ कोर्स, बट ओनली ऑन वन कंडीशन, वियान। ओके, अगर आप कहो तो रूही को हम ड्रॉप कर देंगे। इसकी जरूरत, वेट, हाँ कल स्कूल है, आपको जाना पड़ेगा, अंकल आंटी के साथ जाओ। ओके प्लीज। ओके पापा, बाय वियान सर, प्लीज मेरे पापा के दोस्त बन जाइए। ओके श्योर, बाय, नाइस मीटिंग यू अगेन। बाय बाय बाय। ओह वेट, क्या हुआ? आई विल सी यू लेटर, मैं जा रहा हूँ। हरिक कैसे जाएगा? कैब
क्या करेगा घर जाके, इतना लेट हो गया, यहीं रह जाओ। कैब में आधा सोता हुआ जाएगा, आधे सोते हुए घर वालों को जगाएगा, क्या फायदा, यहाँ पे गेस्ट रूम भी है। सो जा। अरे मैं जा रहा हूँ, बाय। सही है। पुराना दोस्त तो ऐसा करता ना, पुराना दोस्त होता तो ऐसा करता ना। क्या ब्रो, यार सुन, अभी दोस्त बोल रहा है कि तू यहीं रुकेगा, सुबह को मेरे फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करके जाएगा, समझा? मेरी फियांसे से नहीं मिलेगा यार, तेरी बहुत बातें करता हूँ उसके, बहुत बातें करता हूँ उसे, ऐसा ना लगे कि कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड संभाल के रखी है मैंने। प्लीज मिल ले यार, मेरी जान के लिए मिल ले यार। चलो गेस्ट रूम, लेट्स गो। वेरी नाइस। अब आपकी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, धीरे धीरे अपने टोस को हिलाइए, मूव योर फिंगर्स ऑफ योर हैंड्स, हाथों को रब करिए अच्छे से, कीप देम ऑन योर आईज। अब मुंह पे स्माइल लाइए और अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। क्या बात है, यू गाइस कैन क्लैप फॉर योरसेल्फ, बहुत मजा आया। थैंक यू। चलिए, नाउ टाइम फॉर हेल्दी ब्रेकफास्ट। चलो हो जाए ब्रेकफास्ट, आज का ब्रेकफास्ट स्पेशल। कथा बेटा, ये परी को कुछ समझा ना, कपाल भारती करते हुए ऐसा मुंह फुला के जोर जोर से सांस लेती है, ऐसा लगता है कोई बड़ा सा ट्रेन का इंजन मेरी तरफ स्पीड में आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? निक्की अंकल, बदला ले रहे हैं आपसे, आपके रूम में से जो खराटे की आवाज आती रहती है, ऐसा लगता है किसी ने मोटर चालू कर दिया होगा। सही कह रही है, और इसीलिए आज तीखी लौकी का स्पेशल जूस बनाया मैंने, जो कुछ भी बंद है ना सब खुल जाएगा, और आज रात ना प्लीज नो नॉइज। सही, कभी करेले का जूस, कभी लौकी का जूस, अरे सीधे सीधे मुझे जहर क्यों नहीं देती, एक साथ सब साउंड बंद करी, पी लो ना फिर। अरे सुबह सुबह ये अमृत जैसे हेल्दी जूसेस को आपने जहर बोल दिया विक्रम अंकल, देख तो। कम ऑन, चलिए ब्रेकफास्ट शुरू करिए, आइए। ये खाना तुमने, राघव क्यों नहीं आए, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? राघव कल रात काफी लेट आए थे बेटा, और उनके साथ उनके दोस्त भी आए थे, शाल ड्रेस कर रहे हैं। आई विश वो कल रात वाले पोएट हो, मॉम कितना कूल होगा ना। अरे कथा, कहाँ खो गई तुम? बैठो कुछ खा लो ना। मैं जरा उन्हें देख कर आती हूँ। कहाँ जा रही हो? तन्हा ना छोड़ने के वादे के बाद चुपचाप कहाँ जा रही हो? सुनो, जाना है तो जा, अकेला छोड़ के मेरे मन को। सुनो, जाके तो दिखाओ, अकेला छोड़ के मेरे तन को। रग रग में बसी हो, रग रग से जाना होगा, तन में बसी हो, हर अंग से जाना होगा। जब पूरी तरह से जाओगी तो कुछ याद करके लौट के जरूर आओगी, कि किसी की जान साथ ले आई मैं, लौटाने आओगी तो इंतजार में अधमरा पाओगी, तुम्हें फिर से कैद कर लूंगा अपने आप में मैं, बताओ और कितने बार दामन छुड़ाओगी? अमेजिंग राइट? ओके वेट, तुम्हें किसी से मिलाना है। किससे? मेरे नए दोस्त से। अरे कल रात को बताया था ना जो मेरे साथ में आए थे, कुछ तो पुराना नाता है उनके साथ, वरना इतना जल्दी इतनी दोस्ती नहीं हो सकती किसी के साथ। यू हैव टू मीट हिम, द विहान रघुवंशी।
भगवान जी, वो यहाँ है? हाँ, एक्चुअली वो कल रात को बातें करते करते काफी देर हो गई थी, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि रह जाएं। यू नो व्हाट, रूही विल बी सो एक्साइटेड टू मीट हिम। चलो उसे भी ले चलते हैं। आप चल के ब्रेकफास्ट करिए, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। वो नहीं तो रूही का सरप्राइज खराब हो जाएगा। ग्रेट आइडिया, लेट्स डू दैट। चलो। उस बेवफा से तो तुम जैसे दोस्त अच्छे। कुछ काम था, जा रहा हूं वियान रघुवन जी। Yes, I have all the details here. You're welcome. आरव, आजकल वो तुम डिशुम डिशुम वाली गेम नहीं खेलते हो क्या? मन नहीं करता जब से यहाँ आया हूँ। Really? And कुछ तोड़ने फोड़ने का मन नहीं करता तुम्हारा? ये राघव, obviously नहीं। मम्मा ने बोला है कि जब भी गुस्सा आए या कुछ तोड़ने फोड़ने का मन करे तो 10 तक काउंटिंग करने का सब ठीक हो जाता है। आपको पता है पहले 3 तक नहीं होता था, अब 100 के पार जाता है। आहा, मेरे चैंपियन। वैसे राघव, तुम्हें पता है मैं ना हम तीनों का अच्छे से हंसते हुए खेलते हुए मजे करते हुए इमेजिन करता हूँ, उससे मेरा मूड भी ठीक हो जाता है। That's so cute. You know what? अब सपने देखे है ना तो उन्हें पूरा भी करना है, okay? एंड जितनी मस्ती हम लोगों ने सपनों में की है उससे कई ज्यादा हम रियलिटी में करेंगे, ओके? तो फिर आप हमेशा के लिए मेरे साथ रहना, मामा को मामा का भी ख्याल रखूंगा, तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा, आई प्रॉमिस यू। एंड हम लोग सब लोग साथ में रहेंगे और कोई भी मुसीबत आए हम सब मिलकर उसको डुशुम डुशुम करेंगे, ओके? एंड मामा का ख्याल रखना है, मामा को खुश रखना है, प्रॉमिस मी। चार बिखरे टुकड़े मिलकर एक बहुत सुंदर फैमिली बन रही है। आरव, रूही, राघव और मैं। हर किसी की चोट इतनी गहरी है कि फिर बिखरे तो चूर चूर हो जाएंगे। ये मेरा पास्ट ही है जो सब कुछ बिखेर सकता है फिर से। इसलिए राघव, आपसे झूठ नहीं कहूंगी लेकिन पास्ट छुपाना जरूरी है। सॉरी, आप ही कहते हैं हीलिंग जरूरी है।
थैंक यू, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। थैंक यू। वेलकम बैक व्यान सर, आपको ऑफिस में देखकर बहुत अच्छा लगा। वेलकम बैक व्यान सर। वेलकम बैक सर। आपके बिना हमारा ऑफिस अधूरा लगता था सर। मैं भी अपने भाई के बिना अधूरा था। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल। जीतू भाई, मैं क्या बोल रहा था, तुम कैबिन में चल, मैं आता हूँ। शुरू भाई, मास यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। भाई क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मुझे लगता है ऑफिस नहीं आना चाहिए था मुझे। I'm going to go. Relax. ऑफिस नहीं आएगा तो क्या करेगा? और हम सब है ना तेरे साथ। बात मान, थोड़े दिन में ना ऑफिस आने की आदत पड़ जाएगी। ओके? उसके बिना थोड़ा सा व्यान, व्यान। भाई, भाई मुझे पता है तुम दोनों की कहानी इसी ऑफिस से शुरू हुई थी, लेकिन लेकिन ये भी तो सोच, अर्थ कौन हमारा दूसरा घर है, तेरा पैशन है। या अच्छा चल, एक काम करते हैं, धीरे धीरे शुरू करते हैं। लेट्स टेक वन डे एज इट कम्स। तो तू आज के लिए ना बस कुछ पेपर साइन कर दे और मैं तुझे नए प्रोजेक्ट की अपडेट दे दूंगा और फिर घर चले जाना। ओके? दीदू भाई सुनो, ऑफिस में सब एम्प्लॉयज के लिए कुछ ना कुछ खाने भी निकल, तो कैबिन में चल, मैं आता हूँ। ओके? हाँ। क्या वियान आपके घर आए थे? मतलब राघव सर के घर आए थे? मतलब इवेंट से सीधा घर? कथा मैम, आपको दिख नहीं रहा है पर ये ना डेस्टिनी है। डेस्टिनी? जब वो नहीं भी थे ना, तब भी मैं जहां मुड़ के देखती थी मुझे मुझे वही नजर आ जाते थे। और अब क्या ही कहूं। यू नो प्रणव, कल रात भी मुझे ये पता था कि राघव के कोई दोस्त हैं जो घर पर है, पर जब मैंने गेस्ट बाथरूम क्रॉस किया, वहां किसी की झलक दिखी, मुझे लगा जैसे वियान है। पर तब भी मैंने अपने दिल को कहा कि नहीं नहीं, कि ये मेरा वहम है, मैं बस इमेजिन कर रही हूँ। पर वो सच में वो मेरे सामने थे। दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है, सही नहीं है। यू लव हिम, यही दिख रहा है और सच भी है, तो आप अपने साथ ये सब क्यों कर रही हो मैम? प्रणव, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, कितना कुछ हो चुका है वियान और मेरे साथ, नहीं सिर्फ हमसे ही नहीं, हमारे आसपास के लोगों से भी कितना कुछ छीन लिया है। वियान और मेरा साथ में होना हमारी डेस्टिनी में नहीं है। एंड ऑनेस्टली ना, मुझ में अब हिम्मत नहीं है फिर से उन्हीं रास्तों से गुजरने की, फिर से उन्हीं हादसों को जीने की। अब मैंने जो ये रास्ता चुना है, आई नो मुझे ये वियान से दूर ले जाएगा, बट आई स्टैंड बाय माई डिसीजन। मैं खुश हूँ अपने डिसीजन से। मुझे बस यही डर है कि इस नए रास्ते पे पुराने हादसों की झलक ना दिख जाए। कथा के कैबिन में कौन है? अभी के अभी उसे शिफ्ट करना है।
लिसन टू मी, जब वापस आएगी उसे बुरा लगेगा यार कि उसके केबिन में कोई और है। तो अभी की बात करो जी। हां कर रहा हां, वो मैडम को लाना अंदर से। इट्स रॉन्ग। ओके हर्ड यू। एक्सक्यूज मी मैडम। यस सर, आपको बुला रहे हैं। हाय व्यान। लीजा हाउ आर यू? हाय लीजा, गुड टू सी यू यार। या गुड टू सी यू टू। मैडम ने अर्थकॉन ज्वाइन किया है, डिजाइन डिपार्टमेंट में। प्रोजेक्ट की लुक एंड फील पर ध्यान देगी। ओह हाय हाय, वेलकम वेलकम टू अर्थकॉन। थैंक यू। लीजा, व्यान चाहता है कि तुम वो कैबिन खाली कर दो। कैबिन क्यों? ओके आई गॉट इट। व्यान तुम मुझे डिमोट कर रहे हो? व्हाट? या ऑफ कोर्स। नो नो, yes you are doing this. aisa kuch nahi hai. listen Lisa, yeah. nahi it's are chill maar bhai, chill Viaan, itna tension kyu le rahe ho? I know ye cabin ka tha kar, aur ye jo tumhara dost hai na, ye na kisi ko andar ghusne hi nahi deta. wo to aaj ye tha nahi to main andar baith gayi. I'm sorry. chup. वैसे एक बात और, ये भी ना कथा का इंतजार कर रहा और हम सब भी। थैंक यू, इट्स जस्ट पूरी उम्मीद है वो वापस आएगी। सो या मुझे लगता है वो आएगी। ऑफ कोर्स। पता नहीं कैसे आई जस्ट नो वो वापस आएगी, जैसे उसकी किस्मत मेरे साथ लिखी है। भाई पूरी कायनात ना उसे मेरे पास लाने की कोई साजिश कर रही है। कभी कभी मुझे इस सब में बाबा जी का हाथ लगता है। ऐसा लगता है जैसे बाबा जी धक्का देकर व्यान को मेरे रास्ते में लाकर खड़ा कर रहे हैं। एग्जैक्टली माई पॉइंट। अब अपने बाबा जी से लड़ने का क्या फायदा है? मुझे एक बात बताओ, उन्होंने डिसाइड कर ही लिया है तो आप और मैं यहाँ पे बैठ के प्लानिंग प्लॉटिंग स्कीमिंग करके उनके प्लान का क्या ही बिगाड़ लेंगे? तो जो होना है वो तो होकर ही रहेगा ना मैम। बारे में बात नहीं करनी है। Yes, ma'am. कल हमारा इवेंट है, right? Okay, ma'am. मैंने आपको मेल भेजा डे प्लानिंग का, एक बार प्लीज चेक कर लेना। वरना तुम सही कह रहे हो, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। मुझे राघव से आज ही बात करनी होगी, हमें जल्दी शादी करनी होगी। सर, वो एनजीओ वाली मैम आई है। ओह, प्लीज भेज दीजिए। ओके, थैंक्स। हाय डॉक्टर सहगल। हाय। परा। राघव। तेजी। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? वेरी वेल, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सो हाउ कैन आई हेल्प यू? एक्चुअली आज हम आपके पास एक बहुत खास मकसद से आए हैं। हम दोनों मिलकर एक एनजीओ चलाते हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए काम करती है। तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप उन बच्चों के लिए सेशन लें। आई मीन मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि आप सोशल वर्क में खासी दिलचस्पी रखते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली मेरी पूरी लाइफ और मेरा करियर बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। स्वीट, सो आई वुड लव टू नो मोर अबाउट द किड्स। ऑफ कोर्स, एक्चुअली ये बच्चे जनरली बहुत निचले तबके से बिलोंग करते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उन्हें वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो गाइडेंस और वो काउंसलिंग दे पाएँ जो जनरली उनको अपने घर पे नहीं मिलती, ताकि हमारे एनजीओ के बच्चे किसी भी हाल में लाइफ की रेस में पीछे ना रहे। आप लोग बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। किसी को भी सपोर्ट करना मतलब उसे ये रियलाइज कराना कि वो अकेला नहीं है, कमजोर नहीं है, इज रियली कमेंडेबल। और सही सपोर्ट से लाइफ बदल सकती है। आई नीड टू टेक दिस वन, मे आई? ऑफ कोर्स, थैंक यू। हेलो एक्सक्यूज मी, वेयर इज द रेस्ट रूम? मैम बाहर जाकर लेफ्ट ऑफ स्ट्रीट। थैंक यू। डिड यू जस्ट कम?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.